Hey, what's up guys, this is Sangeet here and you're watching Fastball! So guys, if you're new to my channel, then please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. So guys, let's get started. सो गाइस, आज से मेरा 7 डेज का नेपाल टूर हो रहा है और जिसमें मैं सबसे पहले जाऊंगा, आज जो है फर्स्ट डे, आज मैं जाऊंगा काकारीभीटा, जो इंडिया बॉर्डर से नेपाल में काकारीभीटा से पोखरा तक जाऊंगा और कल मैं जाऊंगा पोखरा घूमूंगा, उसके बाद में मैं जाऊंगा फिर पोखरा से मुस्तांग के लिए रवाना हो जाऊंगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ में और इन्जॉय कीजिए मेरा ब्लॉग। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं विराट चौक, जो कि इंडियन बॉर्डर से काफ़ी दूर है, जो करीबन 70 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ पे हम लोग एक नेपाल सिम यहाँ पर ख़रीदेंगे, जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर पूछेंगे नेपाल सिम के लिए। सो गाइस, अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा चाय पीने के लिए। तो यहाँ पर चाय काफ़ी सस्ते में मिलती है, जो कि इंडियन रुपीज़ 3 रुपीज़ करीबन में मिलती है, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। सो गाइस, मेरा चाय रेडी हो चुका है। तो ये चाय नेपाली 5 रुपये का है, सिर्फ 5 रुपीज़, और इंडियन करेंसी में सिर्फ 3 रुपीज़ का पड़ता है। चाय भी काफ़ी टेस्टी है। तो गाइस, अभी हो चुका है दिन का 5:15 और हम अभी तक पहुँचे हैं विराट चौक, जो कि इंडिया से 70 किलोमीटर अंदर में है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर जो गोरखा डिपार्टमेंटल स्टोर है उस पर गोरखा किचन भी है, तो वहाँ पर हम लोग खाना ऑर्डर किए हैं। तो थोड़ी देर रुकने के बाद में हमारा खाना रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो है गोरखा डिपार्टमेंटल स्टोर और इसी के साथ में है गोरखा किचन, जहाँ पर हम लोग खाना ऑर्डर किए हैं। और चलिए देखते हैं खाना रेडी हुआ या नहीं। सो गाइस, यहाँ पर मुझे लेना है एक स्लीपर, क्योंकि मैंने घर से लाना भूल गया हूँ एक स्लीपर। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मेरा अपना साइज़ का स्लीपर, जो कि मैं अभी ख़रीदने वाला हूँ यहाँ से। तो देखते हैं क्या मेरा साइज़ का मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो
दोस्तों यहाँ पर मुझे मिल चुका अपना मेरा साइज़ का स्लीपर, और मुझे ये स्लीपर पड़ा करीबन नेपाल करेंसी में, एनसी करेंसी में करीबन मुझे पड़ा 335 का। लेकिन कुछ एक घंटे के लिए यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा था, डिस्काउंट का ऑफर चल रहा था, तो मुझे मिला ये 295 एनसी रुपीज़ में, और इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये पड़ा मुझे 185 रुपीज़ में। तो दोस्तों इसका बिलिंग कर लेते हैं और चलते खाना खाने के लिए। सो गाइस अभी मैंने ले लिया है एक स्लीपर जो कि आईसी रुपीस में मुझे पड़ा 185 रुपीस और एनसी रुपीस में पड़ा 295। तो और चलते हैं अभी गोरखा किचन खाना खाने के लिए। सो गाइस अभी हमारा खाना कंप्लीट हो चुका है और चलते हैं बस की तरफ और बढ़ते हैं पोखरा की ओर। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं पोखरा और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके बारिश हो रहा है, और दोस्तों मिलते हैं डायरेक्टली कल, क्योंकि
आज जो बारिश हो रहा है यहाँ पर, तो मैं उतना ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए ये पोखरा का रास्ता आप लोग इंजॉय कीजिए और साथ में बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ में। फाइनली हम लोग आ चुके हैं पोखरा। गाइस आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल वाले आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि ऐसे ही मज़ेदार अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।